अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरे प्रोग्रामों को बड़ी अच्छी तरीके से देख भी रहे होंगे और उसको लाइक भी कर रहे होंगे, सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप और आगे लोगों को भी बताएं, क्योंकि मेरा जो मकसद है वो ये है कि बाहर से कोई चीज़ नहीं लेनी, जो घर में चीज़ है उसी से मुकम्मल करना है। थोड़ा बहुत चीज़ें कुछ मंगानी पड़ती हैं, जैसे कि अब मैं आज शरबत बना रहा हूँ इसमें, क्योंकि ये एक शरबत जो है ये घरेलू आइटम नहीं है, ये इसलिए मैं इसके लिए कुछ चीज़ें बाहर से आपको लानी पड़ेंगी। उम्मीद करता हूँ कि आप इंशाल्लाह मेरे चैनल को बहुत गौर से देखेंगे और उसको समझेंगे। आपका मेरी कोशिश ये है कि आपका खर्च कम से कम हो और चीज़ अच्छी से अच्छी आपको मिलती रहे। तो अभी चलते हैं, हम आपको आज की इंग्रेडिएंट्स भी दिखाते हैं और साथ में शरबत बनाना भी सिखाते हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त मैं आज जो आपको शरबत बनाने के लिए जा रहा हूँ वो पाइनएप्पल है। तो उसके लिए मैं आपको बताता चलूँ, ये 1 kg मैंने चीनी ली है और 1 चम्मच ये टाटरी का है। ये टाटरी भी मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से क्या करना है। और उसके बाद ये कलर है, ये भी इसका पाइनएप्पल का है और ये पाइनएप्पल आइसेंस है और ये इसमें लिक्विड ग्लूकोस है जो आपको नज़र आ रहा होगा शीशे की तरह। तो ये लिक्विड ग्लूकोस बाजार से मिलता है, वो भी मैं आपको बताता जाऊँगा साथ साथ, आप देख लेंगे। नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने 2 कप पानी लिया है, ये देखें आपने 2 कप पानी लिया है और साथ ही मैं इसमें 1 किलो चीनी है जो मैंने ली है इसको ऐड करूँगा। ये देखें, ये 1 किलो चीनी मैंने ऐड कर दी इसमें और इसको थोड़ी देर पकाऊंगा ताकि चीनी घुल जाए। जब घुल जाएगी उसके बाद ज़रा सी देर इसको और पकाना है और पकाने के बाद फिर इसमें जो चीज़ें ऐड करनी है वो मैं आपको दिखाता जाऊँगा और करता जाऊँगा। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे चैनल को आप माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से बहनें मेरी देख रही हैं, बेटियाँ भी, तो मैं उनसे अर्ज करूंगा कि आप चैनल देखें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को बटन को ज़रूर दबाएं। और दूसरी ये कि अपने कमेंट्स आपके बहुत सारे आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, लेकिन मसला ये है कि हर चीज़ एक साथ नहीं बनाई जा सकती। अभी जैसे कि मेरे पास मलाई बूटी बहुत से भाई, एक भाई ने भी बनाई है और बहनों ने भी बनाई है, आज पुलाव भी लोगों ने ट्राई किया है, मेरे पास मैसेज आ रहे हैं। तो मैं उनसे यही अर्ज करूंगा कि थोड़ा सा टाइम लगता है आपकी नई डिश लाने में। अब जैसे कि मैं ये चाहता हूं कि आप लोग रोज़ाना तो मैं नहीं दे सकता, कभी ऐसा भी होगा किसी दिन दे सकता हूं किसी दिन नहीं, क्योंकि मेरा अपना कारोबार भी है जो कि मेरा कैटरिंग के हवाले से है। मैं कराची में डेली मरहबा के नाम से कैटरिंग भी करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें मेरा यह है कि आपकी शादी ब्याह मंगनी और कोई भी मतलब प्रोग्राम हो आपका, न्याज का, हर चीज़ मेरे शॉप से मैं इंशाल्लाह तैयार करता हूँ। मेरी कैटरिंग कंपनी है अपनी, तो वो भी दिल्ली मराबा के नाम से है। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मुझे उस पर भी थोड़ा सा काम करना होता है, तो कभी ऐसा होगा कभी मैं आपको वक्त दे पाऊँगा, किसी दिन वक्त नहीं होगा मेरे पास, तो उसी लिहाज से मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि आपकी फरमाइशें ज़रूर पूरी करूंगा, ताकि आपकी फरमाइश आती रहेगी और पूरी होती रहेगी तो अच्छा लगेगा मुझे, क्योंकि आप लोगों से ही मेरा ये चैनल जो है वाबस्ता है। और सबसे बड़ी बात जो मैं, मेरी कई बहनों ने ये कहा कि जी आपका जो है सबसे अच्छा जो है वो ये है कि हमें कोई चीज़ बाहर से लानी नहीं पड़ रही, वरना और चैनलों में ये होता है कि जी वो तिक्का मसाला दिखा रहे हैं कि जी तिक्का मसाला, तिक्का मसाला है तो तिक्के मसाले में डाला क्या है ये भी तो बताएं, तो वो बताना जो है बाहर से ले लिया और उसको इस्तेमाल कर लिया ये मेरे में नहीं आ, क्योंकि मैंने जिस वक्त से काम सीखा है तो उसमें यही सीखा है कि मुझे अपने मसालों पे करना है और अपने मसालों से इंशाल्लाह आपको हर चीज़ देता रहूँगा। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि देखिए मेरी ये चीनी जो है बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, देखिए चीनी नहीं है इसके अंदर। इस वक्त ये मेरा शीरा पक रहा है और इसका फ्लेम मैं थोड़ा स्लो कर दूंगा ताकि पकने में आसानी रहे। और ये देखें, ये इस वक्त अगर मेरा कैमरा आपको दिखा रहा है तो ये देखें, ये लिक्विड ग्लूकोस ऐसा होता है, ये देखें आप, ये बहुत ही मतलब थिक होता है और इसको इस तरीके से, अब इसका अगर ये ऐसे ना आ रहा हो तो आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा गीला करते जाएंगे, जो भी चम्मच है आपका वो गीला करेंगे तो ये उतरेगा। ये देखें, ये उतर रहे हैं आपके सामने, ये इस तरह उतारना है, इसको इस तरह उतारते जाएं और इस तरह डालते जाएं, ये देखें ये जा रहा है, ये देखें
इस तरीके से आप इसको गीला करेंगे तो ये जल मतलब है उतरेगा, और पानी का हाथ नहीं लगाएंगे तो ये आपके हाथों में भी चिपक जाएगा। जब आप जहाँ, और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो है, ये जो शरबत की दुकानें या आइसक्रीम का जो सामान बेचते हैं ना, ये उनके पास से मिलेगा आपको, ये आम जगह से मिलेगा भी नहीं आपको। और वहीं से इसका लाइसेंस लीजिएगा और वहीं से ये लीजिएगा। ये दोनों चीज़ें, शरबत और आइसक्रीम की जो जो सामान बेचते हैं ना, ये उनके पास होता है। और ये तकरीबन जो ग्लूकोज मैंने लिया है 1 किलो चीनी के अंदर, वो है तकरीबन 250 ग्राम, 200 से 250 ग्राम इसमें डालेंगे आप तो ये गाढ़ापन लेके आता है। जैसे आपने बाजार के शरबत देखे होंगे, जब आप उठाते हैं तो वो ऐसे होते हैं, गाढ़े हो जाते हैं, वो यही इसी का ग्लूकोज का कमाल होता है। वो कोई चीनी नहीं पकाई जाती, कुछ नहीं किया जाता। तो ये वहाँ से आपको मिल जाएंगे, जो मैंने आपको शॉप बताई है वहीं से ये टाटरी भी लीजिएगा। टाटरी जो है वो अच्छी होती है, क्योंकि ये खाने में यूज़ करने वाली होती है, और आम जो दूसरी टाटरी हैं वो सस्ती होती हैं, लेकिन उसका जो है नुकसान आते हैं, इसका कोई नुकसान साइड इफेक्ट नहीं होगा। और दूसरा ये कि आपको बताता चलूँ, कलर जो हमने इसमें डालना है वो कलर भी फूड कलर होगा। तो ये देखें, अब हमारा ये देखें, हमारा ये शरबत देखें, ये रेडी होता जा रहा है। ये देखें, इसमें थोड़ा सा अभी, क्योंकि अभी घुला नहीं है, जब घुल जाएगा तो ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और आपको ये एक बात और बताऊं कि ये देखें, ये अभी मैं ये उबाल आ रहा है ना, तो आप फिर चूल्हे को बिल्कुल फ्लेम कम कर देंगे। ये देखें, ये फ्लेम मैंने कम किया, ये अब नीचे जाना शुरू हो गया, क्योंकि उबलना भी नहीं चाहिए ताकि आपका नुकसान भी ना हो। और ये देखें, ये जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ये मेरा फूड कलर है, और इसमें इतना डालिएगा जितनी ज़रूरत हो, मतलब एक कलर को देख लीजिएगा कि ज़्यादा भी ना हो, तेज़ हो जाए कलर, क्योंकि पाइन एप्पल का एक अपना कलर है और उस कलर के मुताबिक होना चाहिए। ये देखें, अब ये कलर देखें आप, अगर आप देखना चाहें ये देखें, ये इसका कलर आ गया, लेकिन अभी भी थोड़ा सा ये कम है, तो मैं इसमें थोड़ा सा कलर और थोड़ा सा ऐड कर दूंगा। ये देखें, ये बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा डालिएगा, क्योंकि ज़्यादा डालेंगे ना तो एकदम तेज़ हो जाएगा कलर, तो तेज़ भी अच्छा नहीं लगता और हल्का भी नहीं अच्छा लगता। अब ये देखें, ये बिल्कुल ओरिजिनल जो आप बाहर से लेंगे बिल्कुल उसका कलर है। और दूसरा एक आपको मैं और अभी बताता हूँ कि इसमें जो आइसेंस आप यूज़ करेंगे वो भी देख लीजिएगा कि देखें इस तरीके का होगा, येलो कलर में ही होगा वो भी। तो इसको एक चम्मच जैसे ये डाला, दूसरा चम्मच मैंने ये डाला, ये तकरीबन 2 खाने के चम्मच इसमें आइसेंस डाला मैंने, ठीक है। ये देखें, अब ये हमारा कलर, और आप यकीन करें इसकी खुशबू बहुत प्यारी होती है अनानास की, यानी कि पाइन एप्पल और अनानास एक ही चीज़ है। तो अब ये देखें, मैंने ये टाटरी ली है, जो कि आपको मैं दिखाता चलूँ कि ये देखें, मैंने इसमें ये आधी चमची यानी कि 1 चाय का चम्मच ये टाटरी डालनी है, और ये उसमें क्या है, खट्टा मीठा मज़ा आएगा आपको और बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। आपको आज की रेसिपी के साथ मैंने बताना था कि आप लोगों को बताऊं, ये तकरीबन 1 लीटर है, और 1 लीटर में शुरू में आपके पैसे थोड़े से ज़्यादा लग जाएंगे। क्यों लगेंगे, कि इसमें कलर लाना है, टाटरी लानी है, और टाटरी आप उससे कहेंगे 10 रुपये की तो वो दे देगा, लेकिन फूड कलर जो है वो भी 10-20 रुपये का मिल जाएगा आपको। और इसी तरीके से आपको ये जो है आइसेंस, ये पूरी बॉटल लेनी पड़ेगी, वो 25-30 रुपये की होगी। तो ये देख लें, अब आपके सामने है कि कितना प्यारा कलर है और कितना वो है, खुशबू भी पूरी महक रही है मेरे बावर्ची खाने में, और बहुत अच्छा लग रहा है। तो नाज़रीन, ये था आज का मेरा पाइन एप्पल का शरबत, जो कि आप देख रहे हैं। ये देखें, अगर मेरा कैमरा आपको दिखा रहा है, ये देखें इसके कलर देखें आप इसका, कितना कलरफुल है। और ये क्योंकि रमज़ान की आमद है, इसलिए ये रमज़ान के एट में मैं आपके लिए रेडी कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने इमली और आलू बुखारे का भी आपको शरबत का बताया था, वो भी इंशाल्लाह ट्राई कीजिएगा आपको पहले ही, ताकि आपको पता चले कि बहुत अच्छा शरबत है इंशाल्लाह। और उसकी अफादियत यह है कि वो ठंडा है, और रोज़े के बाद जो भी चीज़ आप खाए पियेंगे वो फौरी हज़म भी करेगा, तो उसमें ऐसी चीज़ें डाली गई हैं, तो ये आपके सामने है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग देखेंगे, बनाएंगे, और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। शुक्रिया।
जी आप जैसे कि देख रहे हैं कि ये अब मेरा शरबत बिल्कुल रेडी पे है और बिल्कुल रेडी हो चुका है, लेकिन इसको आप यूज करने के लिए जैसे कि आप रूह अफ़ज़ा वगैरह आप घर में बनाते हैं उसी तरीके से इसको भी यूज करना है। आपने क्या करना है कि एक एक गिलास में 3 से 4 चम्मच डालने और उसके बाद उसमें पानी डालना है और बर्फ वगैरह डाल के आप पिए, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसका बहुत प्यारा टेस्ट आपको लगेगा और इंशाल्लाह आपको बहुत मजा आएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।